जून जुलाई दो मौसम ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण, यानी तापमान बहुत अधिक होने के कारण हमारे पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं। अधिकतर पौधे जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपके पौधों के साथ, विशेष करके कड़ी पत्ते के साथ ऐसी कोई समस्या है, तो मैं आज के वीडियो में एक विशेष फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका उपयोग करके आप पूरे साल अपने कड़ी पत्ते को जंगल के जैसा हरा भरा रख सकते हैं, जैसे कि मेरा पौधा है। कई सारी महत्वपूर्ण टिप्स और बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट क्लास चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कड़ी पत्ते से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। एक विशेष फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, जो कि जून जुलाई की चिलचिलाती हुई धूप में और गर्मी में आपको अपने पौधों को पक्का देना चाहिए। अगर इस फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधों में करते हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल खराब नहीं होगा, न किसी प्रकार की गर्मी का उस पर असर होगा, न पत्तियां पीली पड़ के झड़ेंगी, न पत्तियां सूखेंगी, और पूरी गर्मी आपका पौधा एकदम हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। और इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप पूरे सालों साल अपने पौधे को बहुत अच्छा और हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करती हूँ अपने कड़ी पत्ते के पौधे से। सबसे पहले मैं आप लोगों को कड़ी पत्ता दिखाती हूँ। जून जुलाई के मौसम में हमें कड़ी पत्ते की क्या विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं विशेष फर्टिलाइजर, जो कि हमारे घरों में मौजूद चीज़ों से ही बनने वाला है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यकीन मानिए, ये फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है, बहुत कारगर होता है आपके पौधों में। इसका महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, उस पर इस चिलचिलाती गर्मी का कोई असर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने लोगों को अपना पौधा दिखाती हूँ, उसके बाद ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे गार्डन में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत एकदम जंगल के जैसा घना कड़ी पत्ता। और देखिए, इतनी अधिक गर्मी है, टेम्परेचर हमारा 43-44 तक पहुंच गया है, उसके बावजूद देखिए मेरे कड़ी पत्ते की एक भी पत्ती आपको पीली नहीं दिख रही है, कोई पत्ती सूखी नहीं दिख रही है और एकदम हरा भरा है। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि गर्मी जब बहुत अधिक हो जाए, तो अपने पौधों को पानी, कम से कम आप दिन में 2 बार सुबह शाम कड़ी पत्ते के पौधे को पानी पक्का दीजिए, क्योंकि इस पौधे को पानी की जैसे ही कमी होगी, इसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, और मुरझाने के बाद फिर आप पानी डालेंगे भी तो वो पत्तियां पीली पड़ के गिर जाएंगी, और इस स्थिति में हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने कड़ी पत्ते के पौधे को गमले में लगा रखा है, तो मल्चिंग पक्का करिए। मल्चिंग का मतलब होता है गमले की मिट्टी को आप किसी भी सूखी घास से, सूखी हुई पत्तियों से, पोरा से, कोकोपेट से, या फिर नारियल के छिलके आदि किसी भी चीज़ से पूरी मिट्टी को ढक दीजिए। अगर आप मिट्टी को ढक देंगे, तो उसमें जो पानी देंगे वो पानी बहुत जल्दी वाष्पित नहीं होगा और पौधे में नमी बनी रहेगी, पत्तियां मुरझाएंगे नहीं। तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ता घना हो, बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम पत्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, तो वो लोग कम इस्तेमाल करते हैं। आप पौधे की पिंचिंग करते रहे, ऊपरी शाखा से पिंचिंग कर करके इन पत्तियों का इस्तेमाल करते रहे। जितना अधिक आप पौधे की पिंचिंग करेंगी, पौधे में उतनी नई नई शाखाएँ निकलेंगी और पौधा उतना ही घना होगा, जैसा कि मेरा। अभी आपने देखा होगा कि मैंने ऊपरी सिरे से पत्तियों को तोड़ लिया है, यानी पिंचिंग कर दी। पिंचिंग का मतलब होता है पत्तियों के ऊपरी सिरे से उसकी थोड़ा सा तोड़ देना है, जितना आप तोड़ेंगे उतने दिखने की शाखाएँ आएंगी। तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में चाहे आपने ज़मीन पे लगा रखा है, चाहे गमले में लगा रखे, पौधे को पानी पक्का दीजिए। गमले में है तो कोशिश करिए कि गर्मियों के मौसम में अगर उसमें नीचे घास फूस जम गई है, तो उस घास फूस को मत उखाड़े, क्योंकि वो घास फूस जो होगी एक तरह से आपके पौधे को क्या करेगी, गर्मी से बचाएगी। गर्मी के बाद जब बरसात आती है, तो उस समय आप घास फूस को उखाड़ दीजिए, वैसे इस समय आप छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कुड़ाई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि एक विशेष फर्टिलाइज़र जो आप महीने में एक बार अपने पौधों को दीजिए, एक बार जून में दीजिए, फिर जुलाई में दीजिए, बस इतना करने से आपका पौधा एकदम हरा भरा और स्वस्थ रहेगा, जैसे कि मेरा पौधा है। कड़ी पत्ता बहुत अधिक आयुर्वेद में महत्व रखता है, हमारे किचन में बहुत अधिक हम लोग उपयोग करते हैं और हर घर में कड़ी पत्ता का पौधा मिलता है, लेकिन इतना अधिक हेल्दी और स्वस्थ पौधा आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा जितना कि मेरा है। मेरा पौधा ज़मीन में है, शायद इस वजह से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गमले में भी पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, अगर उसकी थोड़ी सी केयर की जाए, सावधानी रखी जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने कड़ी पत्ते में कौन सा विशेष फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, और ये विशेष फर्टिलाइज़र आप भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले, आपने अगर गमले में लगा रखा है, जमीन में लगा रखा है, तो कड़ी पत्ते के पौधे की जो नीचे की जड़ें हैं या मिट्टी है, उसको आप थोड़ी सी कुड़ाई कर लीजिए। कुड़ाई करने से मिट्टी जो होती है थोड़ी सी भुरभुरी हो जाएगी, और इसको कम से कम आप 1 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। सूख जाने के बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कड़ी पत्ते की
देखिए तना काफ़ी पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, यानी ये मेरा 2-3 साल पुराना कड़ी पत्ते का पेड़ है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कितना घना है आपने भी देखा होगा। मैंने इसकी कुड़ाई गुड़ाई कर ली है और इसके नीचे देखिए ये पत्तियाँ वगैरह फेंकी हुई है। इसका कारण ये है कि इसकी नमी नीचे की बनी रहे, इसलिए मैं जो थोड़ा मोड़ा कूड़ा कचरा निकलता है घर का या पेड़ पौधों का उसको इस कड़ी पत्ते की जड़ के आसपास हमेशा फेंकती रहती हूँ। इसी को मल्चिंग कहा जाता है और मल्चिंग आप भी इस गर्मी में पक्का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं देर न करते मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ। जो फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ वो हमारे घरों में मौजूद चीज़ों से ही बनेगा और बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी हरे भरे पौधों में दे सकते हैं। कड़ी पत्ते के अलावा आपके घर में चांदनी है, छोटी चांदनी है, बड़ी चांदनी है या कोई भी हरा पौधा है जिसमें आप देना चाहें उसमें दे सकते हैं। सभी पौधों में ये जो फर्टिलाइज़र होता है बहुत अच्छा काम करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि एकदम नेचुरल चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है। तो आप ज़्यादा अधिक मात्रा में भी दे देंगे तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कम देंगे तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए हम लोग देर न करते हैं फर्टिलाइज़र बनाते। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए देखिए मैंने कई चीज़ें ले रखी हैं और सारी चीज़ें हमारे घरों में बहुत आसानी से मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एकदम फ्रेश, ये मैंने लगभग 2 लीटर पानी लिया है क्योंकि मेरा पौधा ज़मीन में है और उसको थोड़ी सी ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। आप अपने पौधे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा। 2 लीटर पानी में मैंने लिया है लगभग 1 से 1.5 चम्मच हल्दी। हल्दी हम सभी के घरों में होती है और हम सब जानते हैं कि हल्दी कितनी गुणकार होती है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ लिया है मैंने, ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट या आप एंजाइम भी ले सकते हैं इसके स्थान पे। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है और ये मुख्य रूप से देखिए फूलों के लिए, हरे पौधों के लिए, पत्तियों के लिए बहुत अधिक कारगर होता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे फलों की मात्रा बढ़ा देता है और इसकी खासियत है कि ये 100% ऑर्गेनिक चीज़ होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। समुद्र में पाए जाने वाले हरे शैवालों के एक्सट्रैक्ट से या रस से निकाल के इसको बनाया जाता है, तो बिना डरे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एलोवेरा से बना हुआ फर्टिलाइज़र। इससे पहले मैंने 1 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने एलोवेरा फर्टिलाइज़र कैसे बनाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप चाहें तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, एलोवेरा फर्टिलाइज़र बनाना बहुत आसान है। 2 फ्रेश एलोवेरा की पत्तियाँ लीजिए, उन पत्तियों को आप अच्छे से धो लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के किसी ऐसे डब्बे में डाल दीजिए और उसके अंदर 1 लीटर या 2 लीटर पानी डाल दीजिए और 1/2 चम्मच गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद ढक्कन लगा के इसको 2 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 दिन या 24 घंटे के बाद ये ऐसा कलर चेंज हो जाता है, एलोवेरा की पत्तियाँ पूरी तरह से गल जाती हैं और हमारा बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनके तैयार होता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं, साथ ही साथ ये एंजाइम का भी काम करता है। इसके साथ ही साथ ये बहुत अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है, हमारे पौधों में फंगस वगैरह नहीं लगने देता है। और सबसे अच्छी बात है कि एलोवेरा से बना हुआ ये फर्टिलाइज़र बहुत ठंडा होता है जो कि गर्मियों में हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपके पास सीवेड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप एलोवेरा फर्टिलाइज़र और हल्दी दोनों चीज़ों का बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो 2 लीटर फ्रेश पानी लिया था, इस पानी में मैं डालूँगी अपनी हल्दी। जो हमने हल्दी ली थी, ये 2 लीटर पानी के लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच हल्दी ली है। आप इसे कम भी ले सकते हैं, गमले में बना रहे तो आप 1/2 चम्मच हल्दी लीजिएगा। मैं जो पानी बचेगा तो अपने दूसरे पौधों में भी डाल दूँगी, इसलिए मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है। इसके अंदर मैं ये एलोवेरा से बना हुआ फर्टिलाइज़र ये लगभग मैं 1 लीटर लूँगी। तो मग की सहायता से मैं 1 लीटर इसको नाप के ले लेती हूँ। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि एकदम नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और हरी भरी पत्तियों से बना हुआ है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसका बिना डरे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैं मग से नाप के 1 लीटर के आसपास एलोवेरा का फर्टिलाइज़र जो मैंने बना के रखा है पहले से, ये ले लेती हूँ। और फर्टिलाइज़र और एलोवेरा फर्टिलाइज़र और हल्दी के पानी में अब मैं मिला दूँगी, लगभग 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर पानी में केवल 4 से 5 ml या 6 ml के आसपास सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप एंजाइम का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नहीं भी हो तो आप सिर्फ हल्दी और एलोवेरा से बने फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। फिर इस पूरे फर्टिलाइज़र को हम बढ़िया से मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए एक बढ़िया सा घोल तैयार हो जाएगा और ये हमारे हरे पौधों के लिए, सभी हरे पौधों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, बहुत कारगर होता है। और ये देखिए मैंने पौधों की कुड़ाई कर ली थी और यहाँ पे मेरा पौधा ज़मीन में है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, मैं 2-3 लीटर डाल रही हूँ। आप अपने गमले के हिसाब से उतना डालिएगा, 1 लीटर या 1/2 लीटर की पानी गमले से नीचे न बहे, उतना जितना कि पौधों की जड़ों तक पहुँच जाए। और इस पानी को आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके पौधे पे गर्मी का असर नहीं होगा, पौधा एकदम पत्तियाँ हरी भरी और ताज़ी और फ्रेश रहेंगी, जैसे कि मेरे कड़ी पत्ते की आपको दिख रही हैं।
जब बहुत अधिक गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर प्रयोग करिए। इससे रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आपका पौधा गमले में हो चाहे ज़मीन में हो, कभी ख़राब नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा और पूरे साल एकदम हरा भरा रहेगा। केवल सर्दी में जब ये पौधा डॉर्मेंसी में जाता है तभी इसकी पत्तियाँ झड़ेंगी, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस गर्मी में हम अपने पौधे को हरा भरा रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करिए कि दिन में कम से कम दो बार, एक बार सुबह उठिए जब आप 6 बजे 5 बजे जब उठते हैं, ठंडा मौसम रहता है उस समय अपने पौधों में पक्का पानी डालिए। इसके बाद शाम को 6-7 बजे जब थोड़ी सी धूप निकलने के बाद पौधे थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, पौधों की मिट्टी ठंडी हो जाती है, उस समय पानी डालें। कोशिश करिए कि गमलों के जो पानी है, नमी है, वो ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि नमी ख़त्म होते ही इतना अधिक टेम्परेचर है तुरंत पौधे की जड़ें सूखने लग जाएंगे, हमारे पौधे सूखने लग जाएंगे। और एक बार अगर पौधा सूख जाता है तो फिर उसको बचाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम पहले से ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने पौधे को एकदम हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। और घना करने के लिए आप समय समय पर पौधे की पिंचिंग करें, बिना डरे कड़ी पत्ते के जितनी पत्तियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी पत्तियों का अपने खाने में किचन में इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितनी अधिक आप पिंचिंग करेंगे आपका पौधा उतना ही हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। तो ये था मेरा आज का कड़ी पत्ता का वीडियो और मेरा खूबसूरत सा कड़ी पत्ता का एकदम चमकदार हरी भरी पत्तियों वाला पौधा। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। साथ ही साथ अपने गार्डनर दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक खूबसूरत सी जानकारी के साथ, एक अच्छे से पौधे के साथ।